मैं एक टूरिस्ट हूं और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अमृतकाल पर अपने देश में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा योगदान कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसा एक टूरिस्ट स्पॉट दिखा के जिसको देखकर आप बिना वहां गए रह नहीं पाएंगे। उसका एक झलक अभी आप लोग देख रहे हैं। ये है श्री सिद्ध गगनगिरी महाराज आश्रम जो कि खोपोली में स्थित है। मैं आपको ये पूरा आश्रम भी दिखाऊँगा और गगनगिरी महाराज के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, जो कि मैंने विकिपीडिया से पढ़ा है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पहुँचने के लिए गूगल मैप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। स्वागत है आपका ट्रैवलिंग इज ऑसम में। वी विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी का अमृतकाल का महोत्सव आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। तो हम लोग एज यूजुअल वही सब घूमने निकले। अरे इधर देखो रे, तुम लोग फोटो निकाल रहे। ये देखो, ये छोटा गाड़ी इसके हाथ में, बड़े गाड़ी में हम लोग है। ठीक है, हम लोग अभी जा रहे हैं कौन सा मठ, क्या नाम था उसका? गगनगिरी मठ खोपोली में है। मोटो व्लॉगिंग करूंगा नहीं, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका गूगल मैप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो चलते, मज़ा आएगा। मौसम बहुत मस्त है भाई। तो हम लोग पनवेल से 150 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर शेडुंग टोल नाके से आके थोड़ा नाश्ते के लिए रुके हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो गर्मा गर्म रखा है लगता है। शेडुंग टोल नाका जैसे ही क्रॉस किया, वहाँ पर हम लोगों ने गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने के लिए अपने गाड़ी को रुकाया क्योंकि हमें नाश्ता करना था वहाँ। शेडुंग टोल नाके पर जब हम नाश्ता कर रहे थे तब हमें एक गुट दिखा जिन्होंने 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पनवेल से महर तक दिव्यांगों की रैली निकाली थी। आयोजक थे श्री विलास फड़के, संस्थापक अध्यक्ष थे दिव्यांग जन कल्याण सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य उत्तर रायगढ़ जिला संयोजक और भाजपा दिव्यांग विकास आघाड़ी श्री दत्तात्रेय पाटिल। इसके संयोजक थे श्री बाला राम रोडपालकर और सदस्य थे श्री विकास ठाकुर, श्री अतुल राय बोड़े और श्री रविंद्र राठौड़। भारत माता की जय और वंदे मातरम ऐसे नारे लगाकर ये लोग अपने आज़ादी का जश्न मना रहे थे, सुनकर मन मुग्ध हो गया। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंच गए श्री सिद्ध गगनगिरी महाराज के आश्रम में। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूं, कितना सुंदर है। ये वही नदी है जो आश्रम के बीचों बीच से बहता है। अगर आप चारों तरफ नज़ारा देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। इसके उल्टी दिशा में आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखेंगे, अभी वहाँ पर जाके मैंने नहाया था। और ख़ास बात यह है कि मैं फिसल कर थोड़ा गिर भी गया था। वहाँ पे जो इंसान खड़ा है वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा सावधानी से नहा भी सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। प्रवेश द्वार ही आपका निसर्ग से भरा हुआ है और नैसर्गिक प्राणियाँ दिखेंगे आपको, जैसे कि आपने बैल देखा और ये दो छोटे छोटे बंदर प्रवेश द्वार के ऊपर बैठे हैं और ऊपर जो है एक बंदर भाग रहा है। नीचे आपको जूते रखने का एक जगह दिखेगा जहां पर आप अपने जूते सुरक्षित रख सकते हैं और काउंटर दिखेगा जहां पर आपको एंट्री करनी होती है। अंदर आपको भोजन लेना है तो 20 रुपये का कूपन मिलता है, वो कूपन आपको इस विंडो से मिलेगा। अंदर जाने के बाद भोग के समय आपको खाना भी मिलेगा। स्वामी गगनगिरी महाराज एक भारतीय हिंदू संत और नाथ संप्रदाय के गुरु थे। गगनगिरी महाराज विशेष रूप से अपनी जल तपस्या और गहन
ध्यान प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। वे स्वयं आदि दत्तात्रेय के अवतार है। स्वामी जी भारतीय साधुओं और संतों के बीच व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे। श्रीपद पाटानकर, जिन्हें हम श्री गगनगिरी महाराज के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन में मंदुरे नामक गांव में हुआ था। पाटानकर परिवार एक शाही परिवार था और चालुक्य वंश का प्रत्यक्ष वंशज था, जिसने कभी दक्षिण और मध्य भारत पर शासन किया था। 7 वर्ष के अल्प आयु में ही वे घर छोड़कर नाथ संप्रदाय के एक मठ में चले गए, जो 32 शिराला में स्थित था। ये वही पाताल गंगा नदी है जो मंदिर के बीचों बीच से गुजरता है और मंदिर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पुल बांधा गया है। बहुत कम उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। हम जब वहाँ पहुँचे तो गणेश आरती शुरू थी और हमने अपना आरती अर्पण किया और उसके बाद वहाँ पे गगनगिरी महाराज की भी आरती हुई। मठवासी क्रम में दीक्षा लेने के बाद श्री गगनगिरी महाराज विभिन्न महंतों और नाथ संप्रदाय के संतों के साथ यात्रा करना शुरू किया। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने योग और कई तंत्रों में महारत हासिल की। उन्होंने नेपाल, भूटान, मानसरोवर, गौरीशंकर, गोरक्ष दरबार, गोरखपुर और पशुपतिनाथ जैसे दूर दूर के स्थानों की यात्रा मतलब टूरिज्म की और अल्मोड़ा लौट आए। अंत में उन्होंने गंगा की घाटी हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और बद्रिका आश्रम पहुँचे। गगनगिरी महाराज अपने यात्रा के परिणाम स्वरूप बेहद थके हुए थे और उन्होंने एक गुफा में आराम करने का फैसला किया। जब वह आराम कर रहे थे तो पहाड़ों में से एक भगवा वस्त्र पहनकर एक साधु आए। उन्होंने गगनगिरी महाराज के चेहरे पर अपने कमंडल से पानी छिड़का। उन्होंने उन्हें खाने के लिए एक प्रकार की हरी घास दी जो धनिये के पत्ते की तरह थी। उन्होंने अपने तपस्या के लिए घास के गद्दे तैयार किए थे। उन्होंने अपने गद्दे को जीवित वनस्पतियों की तरह बढ़ते हुए पाया। इसे एक अनुभव के रूप में माना जाता था जहां तांत्रिक तकनीक सिद्ध होती है। उन्होंने कई कायाकल्प किए। इस प्रक्रिया में उन्होंने तांत्रिक तकनीकों में कई अवधारणाओं का आविष्कार किया और उन्हें सच साबित किया। उन्होंने मौली कुंड, मौली कड़ा, झंझू जल, मौसमी कड़ा, कासारबाड़ी, अदरक जल, सदबर कुंड, होली कड़ा, मरगज जल, जंगल देवी पट्टी, शिराला और आदि अनेक स्थानों पर तपस्या की। ये वही पुल है जो मंदिर के दोनों हिस्सों को बीच में से जोड़ता है और इस पुल के नीचे से पाताल गंगा नदी बहती है। यह मुख्य मंदिर है जहां पर गगनगिरी महाराज का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ है और यहीं पर आपको विभूति भी मिलती है जो आप अपने सर पर तिलक के जैसे लगा सकते हैं और लोग दर्शन के लिए यहीं तक आते हैं।
बारिश के दौरान वो गर्भगिरी गगनगिरी की गुफाओं में रुके थे। उन्होंने संगशी, वजार, वैश्रफ, पलसांबे, रामलिंग आदि नदी के पास एक तालाब में तपस्या की थी। बाद में वे कोकण क्षेत्र में विजयदुर्ग गए, जहां से वे स्टीमर द्वारा बंबई पहुंचे। 1945 से 1948 के दौरान उन्होंने कोकण में राजापुर के पास अंगले नाव के नाम के गांव में कायाकल्प किया। महाराज के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर हमने कूपन दी जो हमने शुरुआत में ली थी भोजन के लिए, और उस कूपन के एवज में एक थाली में हमको भोजन मिला। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उनके ध्यान से लाभान्वित होते गए, अधिक से अधिक लोग उनकी पूजा और सम्मान करने लगे और उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। महाराज जी के पास यशवंतराव चौहान, जिनके नाम पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, बाला साहेब देसाई, राजा राम बापू पाटिल, पतंग राव कदम जैसे विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारी और मंत्री भी आए थे। इस आश्रम में कई रोगों का आयुर्वेदिक उपचार मुफ्त होता है। इसका निर्धारित समय भी रहता है जो आपको वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। इस आश्रम में डायलिसिस भी मुफ्त होता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उन तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। अभी बाहर आ गए, खाना वाना खाया, अपना बर्तन खुद धोना पड़ता है, यहाँ पे देखा आपने, यही बाहर आ गए। तो गिरिराज मंदिर से आज हमारा ये जो पूरा ट्रिप था वो खत्म हुआ। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ईश्वर से आ जा। तो ईश्वर के दर पर खड़ा होकर ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, सी यू, लव यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, प्रोबेबली अ मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल वंस अगेन। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इसी के पीछे जेनिथ वाटरफॉल के एक बार में वाटरफॉल में गए थे, जो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा।